goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। सोमवार को 17वीं विधानसभा के सत्र का आगाज विधायकों के सदन में प्रवेश करने से पहले सीढ़ियों पर माथा टेकने जैसी खूबसूरत तस्वीरों के साथ हुई। वहीं हिंदुस्तान ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों के द्वारा हिंदुस्तान बोलने पर आपत्ति व्यक्त करने पर हंगामा भी हुआ। जो सूचना आ रही है उसके अनुसार पार्टी के विधायक शपथ के दौरान भारत बोलने पर अड़े हुए थे, जबकि जदयू विधायक उन्हें हिंदुस्तान बोलने के लिए दबाव बना रहे थे। उनको हिंदुस्तान बोलने पर आपत्ति थी, इस पर सदन में हंगामा हो गया। दरअसल AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई। इमाम को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू भाषा में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की मांग की। हालांकि बाद में इमाम ने कहा कि वे आपत्ति नहीं जता रहे थे बल्कि सलाह दे रहे थे। हालांकि तब तक मामला तुल पकड़ चुका था। जदयू नेता मदन सहनी ने विधायकों को हिंदुस्तान बोलना चाहिए था ऐसा कहकर पूरे मामले को उठाया और उनके साथ फिर पूरा विपक्ष और पक्ष के लोग खड़े हो गए। हिंदुस्तान बोलने में कोई हर्ज नहीं, वह भारत बोलने पर हुए थे, जबकि उनके भाषण में भारत की जगह हिंदुस्तान लिखा था। वहीं बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जिन्हें हिंदुस्तान बोलने पर दिक्कत है वो पाकिस्तान जाएं, ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं है, ऐसे लोगों को सदन छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे।